हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्त वन यू वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर चीज़ी बॉयल्ड चिकन सैंडविच। सो गाइज, इट्स वेरी टेस्टी एंड ईजी टू मेक, सो डोंट स्किप एनी पार्ट एंड वॉच टिल द एंड एंड प्लीज कॉमेंट डाउन इफ यू लाइक माई वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें चिकन को लेना है, चाहे वो बोनलेस हो चाहे बोन के साथ हो, अच्छे से बॉयल करेंगे सॉल्ट, क्रश्ड गार्लिक और ओरिगैनो के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है जब आप इसको बॉयल कर लेंगे। इतना बॉयल करें कि थोड़े से पानी में, कि पानी ड्राई हो जाए और हाथों की मदद से ही ठंडा करने के बाद आप इसको श्रेड कर लें। ये सारी सॉसेज हैं, मायो हो गया, शेजवान हो गया, टोमेटो केचप, ये सब वेजीज थी जिसमें टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, चीज़ स्लाइस है। आप चाहें तो चीज़ क्यूब को भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ है आप वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें अच्छा सा बाइंडिंग मटेरियल चिकन का तैयार करना है, जो बॉयल्ड चिकन था। इसमें मैंने मायो ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून भरकर, और इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी जैसे कि जब हम चिकन की फिलिंग करें तो वो चिकन इधर उधर निकल के भागे नहीं। इसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने एक ट्रे में रख दिया है। सबसे पहले मैंने टोमेटो केचप डाला, उसको स्प्रेड करा, दैन शेजवान की चटनी डालूंगी। जो सी आपको सॉस पसंद है आप पहले वो डाल लें, होम मेड सॉस है तो आप होम मेड सॉस डाल लें। बस इसको ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। एंड जिनको, जो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड हैं, वो चाहे तो चिकन को स्किप कर सकते हैं, आप उसकी जगह पनीर रख सकते हैं या पोटैटो को मैश करके अच्छे से मसाला बना के नमक मिर्च धनिया अच्छे से भून के वो भी रख सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से चिकन जो मैंने अच्छे से मायो में मिक्सअप कर लिया था वो रख रही हूँ। सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू हेयर दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन आप किस किस को इस तरह के ईजी एंड क्विक सैंडविचेस पसंद हैं एंड ट्राई इट आउट। एक तो हेल्दी भी है ये, क्योंकि बॉयल्ड चिकन है। बस इसको आप चाहें तो इसको या तो ग्रिल कर लें या आप तवे पे बटर या घी लगा के सेक लें। तो मैंने इधर क्या करा, हाँ मैंने चीज़ स्लाइस रख दी, उस पर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अब मैं इसको सेक के उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए कितना अच्छा है। और इसको मैंने क्या करा, एक प्लेट में एक के ऊपर एक रखते रखते इसका एक माउंटेन बना दिया। सो गाइस, बहुत ही यमी था। चीज़ जो थी अच्छे से मेल्ट हो गई थी, ऑरिगैनो और चिकन और सबका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।